और ये गुफा यहाँ से खुलता है और इसका रास्ता दूसरा वाला जो एंड है वो खुलता है सोलर एनर्जी पार्क में। कोई है क्या? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वाचिंग ऑलवेज राहुल। एंड आजकल मेरा जो स्टार्टिंग में जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ इट्स लाइक ऐसा हो गया है। दरवाजा बंद करता हूँ नहीं तो कोई ना कोई आएगा फिर डिस्टर्ब करेगा। और जिस बात का डर था वही हुआ, जो मैं बात कर रहा था कि चेन टूट जाएगा मुझे सुबह उठना पड़ेगा, वो चेन टूट गया फाइनली। मतलब मैं दुख के साथ ये फाइनली बोल सकता हूँ क्योंकि 7 दिन हो गया कि मैं दौड़ने गया नहीं हूँ, तो बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट चेन जो है पूरा टूट गया है। कोई बात नहीं, एग्जाम 8 तारीख को मेरा खत्म होगा, 8 तारीख के बाद से फिर से वो चीज़ हम ट्राई करेंगे और इस बार हम पूरा फुल फ्लेज में करेंगे और ट्राई करेंगे कि चेन ना टूटे। अब कल मतलब इतना बारिश हो रहा था ना यार, मतलब धीरे धीरे बारिश हो रहा था लेकिन कंटिन्यूअस 3-4 घंटा करके बारिश हुआ, इसकी वजह से आज का दिन एकदम क्लाउडी क्लाउडी जैसा है। आज थोड़ा ठंडा है कल के कंपेरिजन में लेकिन आज का दिन पूरा क्लाउडी क्लाउडी है। और आज बुबादा तो है नहीं घर पे, तो आज भी ऐसा ही कुछ प्लान बनाया जैसे लास्ट टाइम गए थे ना दामोदर वगैरह। आज मतलब कुछ प्लान नहीं बनाया लेकिन आज हमने सोच के रखा है कि आज भी कहीं घूमने चलेंगे, मां नहीं बैठेंगे ग्राउंड पे, बैठेंगे तो बोर हो जाएगा, हमने ऐसा कुछ सोचा है। और लेट्स सी, अभी कोई ठीक नहीं है कि जाना है कि नहीं जाना है, अगर नहीं जाएंगे तो कहीं पे बैठा रहेंगे। होप सो, होप फॉर द बेस्ट कि कहीं आज भी जाए हम। देखते हैं, हल से बात करना पड़ेगा और सोहेल भी चलेगा प्रोबेबली। अभी बज रहा है सुबह के 10:30, मैं आज उठा 9 बजे। मैं सुबह उठा था 6:30 बजे लेकिन आई वॉज लाइक कि मतलब मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया है ना कि कोई मुझे कॉल करेगा फिर मैं उठूंगा, मैं किसी को कॉल करूंगा फिर बोला नहीं यार रहने देते नहीं जाएंगे, ऐसा हो गया तो इसके वजह से गया ही। तो गाइज अभी एक बड़ा सा जंप हुआ और हम आ गए हैं सीधा घर के बाहर और आज हम जा रहे हैं घूमने। जैसे कि आपने लास्ट वाला शॉट में देखा रहेगा, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है वीडियो में। आज मैं कहाँ घूमने जा रहा हूँ इसका कोई आइडिया नहीं है, बस इतना आइडिया है कि नदी के पास ही कहीं पे जा रहा हूँ। और हर्ष बोला कि चल भाई काफ़ी दूर जाएंगे और काफ़ी नया जगह लेके जाऊँगा मैं तुझे, मैं बोला चलो। तब अभी 3 बजे से पहले ही हम लोग निकल गए और अभी बज रहा है 3:10 और ये मुझे कोई भी आइडिया नहीं मैं अभी कहाँ पे हूँ। अभी इधर लेके जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार जगह। आज वैसे मेरा भाई भी आया है, दीपक भी आया है और सोहेल और हर्ष तो हमेशा घूमते हैं हम लोग इस टाइम पे। वाह देखिए कैमरा में आ रहा है, जूम करके दिखाता हूँ, क्या प्यारा लग रहा है यार। यहाँ पे भी पूरा डस्ट जमा हुआ है, यहाँ पे ट्रक्स वगैरह चलते हैं, उधर अलाउड है कि हम लोग को जाना? देखिए इधर रास्ता वास्ता नहीं था, अभी बनाया गया इस रास्ते को अलग से काट के, इधर पूरा जंगल वंगल था। आज मैं चप्पल पहन के नहीं आया हूँ, मेरा चप्पल आज फटेगा। नहीं भाई फट गया उस दिन, अब दूसरा चप्पल है लेकिन उसका भी रिस्क नहीं लूंगा। देखिए क्या व्यू आ रहा है यार, अभी कहाँ लेके आ गया हर्ष? अरे वही पानी चल रहा होगा ना यहाँ पे भी। हाँ मतलब ओहो हो क्या प्यारा लगता है यार। देखिए 10x में क्या दिख रहा है यार, मतलब फट जा रहा है बट क्या ही प्यारा व्यू है। ओहो हो मैं लास्ट टाइम जब आया था ना फोटो खिंचाना भूल गया था, आज मैं सेम वही चीज है, सेम बस थोड़ा अलग जगह है, थोड़ा और आगे आ गए हम। देखिए यार मतलब क्या प्यारा लग रहा है। इसको पार करेंगे, इसको बारिश हुआ था ना ये इसलिए पूरा एकदम मतलब जमा जमा ये हल्का हाँ दब रहा है, दबा दबा सा है, वहाँ दबेगा नहीं क्योंकि वहाँ पे क्या बोलते हैं पुष्पा है क्या वो, अपुन झुकेगा नहीं साला, पानी से चीज दब जाता पहले से। चलो आगे चलते हैं, जो अभी लाइन बोले तुम एक बार कैमरा में बोलो। अभी भी समझो मतलब इतनी सारी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, कौन जाएगा सिटी सेंटर? मैं तो बोलता हूँ हबीबी को भी यही बुलाना चाहिए। हबीबी कम टू दिस प्लेस इफ यू लिव इन दुर्गापुर। लग रहा है पान वान चबा के बात कर रहा हूँ मैं। देखिए वहाँ पे अपना प्यारा सा डीवीसी प्लांट दिख रहा है और यहाँ पे एकदम छाई का पहाड़। अबे टूट जाएगा कुछ देखेगा, खाली पड़ेगा मत करी सब, कुछ नहीं है पूरा छाई छाई है और कुछ नहीं है इस एरिया में। यहाँ पे शाहरुख खान आया था। हाँ ये बड़ा सही लाइन बोला है आप, आज मैंने वो गलती नहीं की, आज मैं ट्राइपॉड लेके आया हूँ। आज मुझे हर्ष याद दिला दिया कि ट्राइपॉड लेके आना था भाई आज तेरे को। धस जा रहा है कतई। उधर मैं आपको एक प्यारा सा व्यू दिखाता हूँ, ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं ग्लेशियर में आ गए हम, एकदम व्हाइट व्हाइट एकदम। ये देखिए गाइस, देखिए पूरा व्हाइट व्हाइट लग रहा है, दिख रहा है पूरा, ऐसा लग रहा है कि किसी ग्लेशियर पे आ गए हम। कितना प्यारा लग रहा है यार, बहुत सही है बहुत सही। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है यहाँ पे अलाउड है कि नहीं आना, लेकिन अभी यहाँ पे काम चल रहा है। देखिए हम कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, कोई आइडिया भी नहीं है जगह का। आज अच्छा हुआ मैं जूता पहन के आऊँ। ओह यहाँ से घर तो नहीं दिख रहा है यार, ये मेरे ख्याल से हम लोग बहुत दूर आ गए, मतलब क्या बोलते हैं वो घर के तरफ नहीं है, ये अलग है, ये और थोड़ा आगे हो गया है। घर उधर था, घर ना उधर था, उधर कहीं पे घर था और हम आ गए यहाँ पे। गिरा तो नहीं, ये? एक पहली बात अगर तैरना आता है तो ठीक है,
और नहीं आया तो इतना बड़ा गड्ढा है वो भी पूरा इससे भरा हुआ है भाई, पूरा पानी भरा हुआ है, पानी पूरा भरा हुआ है, पूरा झील जैसा लग रहा है। अच्छा इसलिए ये पानी, अब मुझे समझ आया इसलिए वो पानी चल रहा है, पानी हल्का से जाता है। हाँ नहीं नहीं, इस पानी का काम क्या है, ये यहाँ से गिरता है ना यहाँ पे, हो सकता है, नहीं पता, हम लोग इतना आगे, मैं तो इधर कभी नहीं आया हूँ। सही यार, हर्ष आज कहाँ लेके आ गया मुझे। अगर यहाँ से मैं गिरा तो मैं आपको एक बार अच्छे से दिखाता हूँ। नहीं नहीं नीचे मत जा, यहाँ से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये लिटरली कैमरा में समझ तो नहीं आ रहा है लेकिन अराउंड 10 फुट से 20 फुट तक का गड्ढा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि 20 फुट तक पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम लोग गिरे तो ख़त्म, तैरना वैरना तो हमें आता नहीं है। और पानी देखिए कितना ज़्यादा मतलब वाइट है ड्यू टू द डस्ट, 15-20 फीट का तो गड्ढा है ये, हम लोग अच्छा खासा ऊपर है इसलिए समझ नहीं आ रहा है। अब ऐसा ना हो अभी हम लोग चल रहे हैं ये छाई धस जाए, धसना होता वही ना, धसना होता, हम लोग चल रहे हैं इसके कारण धस गया, ऐसा हो सकता है। अरे यार डस्ट आ गया आँख पे लगा, आज अच्छा हुआ मतलब बारिश हो गया इसके कारण डस्ट जो है उड़ नहीं रहा है, नहीं तो उड़ उड़ के सभी मुंह पे लगता पूरा। देखिए इसका कारनामा देखिए। तो अभी हम लोग का प्लान ऐसा है, मैंने हर्ष को बोला कि हर्ष देख इधर से आगे तो रास्ता है नहीं, तो जहाँ से हम लोग चढ़े थे वहीं पे जाते हैं, वापस से उतर जाते हैं, फिर वहाँ से हम लोग सीधा चलेंगे, वहाँ पे गुफा है मतलब सील्ड गुफा है, वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ से अच्छा खासा दूर है लेकिन इधर आगे तो कोई रास्ता है नहीं, तो इसके वजह से मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। वापस ही चलते हैं जो प्लान मैं बोला, और जरूरत पड़ेगा तो वहाँ से कहीं उठ जाएंगे। कुछ नहीं है इधर जाके, फायदा नहीं है। देख प्रॉब्लम यही है ना, अगर इधर से हम लोग गए भी तो फंस जाएंगे, कोई आइडिया नहीं है क्या। हाँ हमेशा रास्ता चल पर ही दिख गया क्या। यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है, यहाँ नीचे से तो जा नहीं सकते। यहाँ पे देखिए, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, जेसीबी या क्रेन जो भी बोलते हैं, ये यहाँ पे है और इधर से तो जा नहीं सकते, यहाँ पूरा धसा हुआ दलदल। हाँ स्क्विड गया भाई, अबे जाएंगे कैसे, ट्राई करते हैं, आजा ट्राई करते हैं, आजा आजा यहाँ पे अगर गिरा मैं पूरा मिट्टी के अंदर, पूरा दलदल है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए काम चल रहा है, लोग कैसे क्रॉस किए हैं, मैं अब नीचे कैसे जाऊँ विद द बूट्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यहाँ से जंप ही कर सकते हैं, अरे ये क्या हुआ, जूता देखिए मेरा, जूता का हालत देखिए, ओह वी क्रॉस्ड इट। तो गाइस हम लोग जैसे ही नीचे उतरे उसके बाद से अचानक से पता नहीं कहाँ से क्लाउड्स आ गए, मतलब कल तो बारिश हुआ था लेकिन आज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वेदर रिपोर्ट पे बिल्कुल भी आज बारिश नहीं दिखा रहा था, और एकदम से जो है हमें जो क्लाउड्स है ना चेज कर रहे हैं, पता नहीं अचानक से कहाँ से आ गए, और बिल्कुल अंधेरा हो गया है, अभी सूरज भी एकदम ढक गया है, कवर हो गया है। मैं आपको एक बार अच्छे से दिखाता हूँ, ये पूरा क्लाउड शॉर्ट्स आ गया है। चलो आगे चलो गाइस, यहाँ पे अगर हम लोग के पास अभी एक एडवेंचर बाइक होता तो एकदम हिमालयन वगैरह रहता ना यार, मजा आ जाता है यहाँ पे चला के, वो देखो अमेरिका का है, क्योंकि रास्ता एकदम फेवरेबल है वैसा टाइप का बाइक के लिए। ये हर्ष को कोई जगह नहीं मिलता है, जहाँ मन वहीं उतरते हैं हर्ष। देखिए अरे वो फेंका, मैं नहीं फेंका, दीपक मारो दीपक को, ए चले लेट हो रहा है, ये तो भाई ये तो लीथल था। सोहेल अरे पार चल चल चल, आजा आजा आजा, गाड़ी आ रहा, ध्यान से चलो भाई, ऑफ रोडिंग ट्रैक। अबे हमको लिटरली मेरे को लगा कि दीपक ना गोरिल्ला पॉड निकाल के फेंक दिया, मत फेंक दीपक यार, क्या यार, चलो यार लेट हो रहा है, अभी काफी आगे जाना है, आगे डार्क का पोर्टल है, चलो चलो पहले जा जा, 3-2-1 अबे पता भी नहीं हर तो दौड़ नहीं पाएगा। योर टेस्ट हो रहा था क्या, फिटनेस टेस्ट फाइनल हुआ है, लेकिन वो था हम लोग पहले ही रुक गए, एनर्जी नहीं है। और तो गाइस फाइनली आफ्टर अ वॉक ऑफ पता नहीं कितना भी किलोमीटर था, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि 3 किलोमीटर के राउंड था,
और हम लोग अभी पहुंच गए अंगदपुर, अंगदपुर पहुंच गया हूं और थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो गुफा पहुंच गया हूं। वो गुफा सील्ड है एक्चुअली, मैं वहां जाके आपको अच्छे से बताता हूं क्या होता था नहीं होता। तो गाइस फाइनली वो जो जिस गुफा की मैं बात कर रहा था वो गुफा में पहुंच गया हूं। तो ये गुफा बिल्कुल सील है, तब तक इस चुटकी के बाद एक सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करके आओ। कोई है क्या? अबे तारा लगा है। अरे नहीं वो वीडियो। तो गाइस ये गुफा राजाओं के टाइम से है यहाँ पे। तो ये गुफा का नाम है देवी चौधरानी और ये गुफा यहाँ से खुलता है और उसका रास्ता दूसरा वाला जो एंड है वो खुलता है सोलर एनर्जी पार्क में। अगर आप दुर्गापुर में रहते हो तो आपको अच्छा से पता होगा, अगर आप नहीं रहते हो बाहर से देख रहे हो तो गूगल कर लो सोलर एनर्जी पार्क दुर्गापुर लिख के, सिटी सेंटर में मतलब अच्छा खासा अराउंड 6 या 7 किलोमीटर लंबा गुफा है ये है। और हो सकता है कि अंदर से कट कुट के रास्ता हो तो और ज़्यादा बड़ा हो सकता है, 10-12 किलोमीटर तो आराम से हो सकता है। तो सिनेमैटिक शॉट आपने तो इन्जॉय किया होगा और हर्ष अभी मुझे बुला रहा है देखने के लिए, वहाँ पर भी कुछ है तो रुको हर्ष आते हैं। देखिए फिर मैं पढ़ा होगा आपने ड्राउट बोल के चैप्टर, यही था क्या? चप्पल प्रिंट है। वाह इधर मैदान है, मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ, क्या ही प्यारा व्यू है यहाँ पे यार। काफी सारा रील्स वगैरह बना सकते हैं हम यहाँ से। तो गाइस अभी मैं नीचे जाता हूँ, सोहेल का एक प्लान है वो अभी एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेंगे। एक हिस्टोरिकल प्लेस से निकले तो दूसरे हिस्टोरिकल प्लेस में आ गए। यहाँ पे आप हिस्ट्री बना सकते हो, अगर यहाँ पे आप घुस जाओ तो आपकी हिस्ट्री पढ़ी जाएगी फिर 100 साल 150 साल बाद। तो यहाँ पे इस ब्रिज पे आके आप अपनी हिस्ट्री बना सकते हो, आपके लिए ओपन रिक्रूटमेंट है तो वो कर सकते हो आप। देखिए बच्चों का खेलने का जगह है, हर्ष यहाँ पे आके डिस्टर्ब कर रहा है बच्चों का। यहाँ पे सोहेल सीसा झूल रहा है, हम भी यहाँ झूलेंगे। अभी क्या है बे साला, हैंस जिमर का म्यूजिक चल रहा है लग रहा है। हैंस जिमर भाई, हैंस जिमर बच्चों का झूला झूला जा रहा है। अरे कितना नीचे है, कितना नीचे है ये। तो गाइस झूला झूलते झूलते एकदम सीधा से मैंने छलांग मारा और सीधा मैं यहाँ पे अभी आके टपका हूँ। अभी बज रहे रात के 10:30। तो ये ब्लॉग आज का आ चला है एंडिंग के तरफ और जो ये वाला ब्लॉग था ना, आशा करता हूँ आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। गाइस इसके बाद वाला जो ब्लॉग होगा ना आप बहुत ही अलग टाइप का होने वाला है, काफी मजा आएगा आपको नेक्स्ट वाला जो ब्लॉग होगा। तो गाइस ये ब्लॉग देख लिया है तो इसको जितना हो सके शेयर करो और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो अगर आप नए हो, और जितना हो सके शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट आप नहीं करते ये चीज मुझे बहुत खराब लगता है। अभी आप जितने लोग भी अगर एंड तक देखे हो ना कमेंट करो, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ आप एंड तक ये वीडियो देखते हो, अगर नहीं देखते हो तो ठीक है पता चल जाएगा। बाय गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।